अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं डाइट विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे डाइट में बन रहा है ऑयल फ्री क्रिस्पी बेक ड्रमस्टिक्स, जिसे हम पतीले में बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 4 अदद मैंने ड्रमस्टिक्स ली हैं, लहसुन पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों को फ्रेश ले सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, पिंक सॉल्ट लिया हमने 1/2 टीस्पून और लेमन जूस लेंगे हम 1 टेबल स्पून। तो बोल में ये सारी ड्रमस्टिक्स हम डाल देंगे। अब इस पर हम फोक से निशान लगाएंगे, अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो ये लगा लिए, सब पे लगा लेंगे। तो सारे निशान हमने लगा लिए। अब इसके ऊपर डालेंगे लेमन जूस, नमक पिंक वाला, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। एक बड़ा सा हमने पतीला ले लिया, उस पर नमक भी छा दिया, कोई जाली स्टैंड रख लिया। अगर जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी स्टील का बर्तन रख लें। आप फ्लेम को ऑन करें मीडियम फ्लेम पे और इसे प्रीहीट होने दें 10 मिनट के लिए। कोटिंग करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स लिया हमने 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर लिए हमने 2 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्स लेने के लिए हमने 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया, उसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया तो ये क्रम्स बन गए। 2 अंडों की सफ़ेदी चाहिए, जर्दी हमने नहीं ली, सफ़ेदी ली है। नमक चाहिए हमें 1/4 टीस्पून। डाइट में हमेशा हम पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं और जो ब्राउन ब्रेड होती है उसका एक स्लाइस लें और उसे क्रम्स कर लें, और जो अंडे होते हैं अंडों की सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे, जर्दी नहीं करेंगे। अब हम कॉर्नफ्लेक्स में ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे, पिंक सॉल्ट डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे साइड पे कर देंगे। तो अब हम ड्रम स्टिक पे कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो सफ़ेदी है उनको थोड़ा सा फेंट लेंगे। तो ये हमने फेंट लिया। अब ड्रम स्टिक को उठाएंगे, उसे हम कॉर्नफ्लावर में डालेंगे और दूसरे हाथ से इसके ऊपर डालेंगे, इसे कोट करके अंडे में डिप करेंगे। अब इसे हम ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स में डाल देंगे और इसके ऊपर कोट कर देंगे। तो प्लेट में रखते जाएंगे, इसी तरह सब पे कर लेंगे। तो सारे ड्रमस्टिक्स तैयार हैं बेक होने के लिए। तो एक हमने बेकिंग ट्रे लिया है, इसे हमने ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लिया, ऊपर हमने बटर पेपर रख दिया और बटर पेपर को भी हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब ये ड्रमस्टिक्स हम इस पर रखते जाएंगे। और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन एक साइड 20 मिनट और दूसरी साइड 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। टोटल हो गए 40 मिनट। पतीला हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब ये ट्रे हम इसमें रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। तो हमारी क्रिस्पी ड्रमस्टिक्स बेक हो चुकी हैं, इन्हें निकालेंगे। तो हमने इसे दोनों तरफ से बेक किया है तकरीबन 20 मिनट एक साइड और 20 मिनट दूसरी साइड। तो ये देखें, ये भी बेक हो चुका है। तो अब इसे हम प्लेट में रख देंगे और इसके साथ हम लेंगे हॉट सॉस। तो डाइट में आप केचप नहीं ले सकते, अगर आप थोड़ी सी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वैसे आप हॉट सॉस भी ले सकते हैं और चिली सॉस भी ले सकते हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की ऑयल फ्री बेक क्रिस्पी ड्रमस्टिक्स। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।